गैस सिलेंडर का फूटना से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। नसरुल्ला गंज तहसील के ग्राम पंचायत छापरी का गांव सुहापानी में गैस सिलेंडर पटना से मकान जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसके बाद चार और अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेत में रहने वाले एक परिवार रामब्रोस गुंड ग्राम सुहापानी निवासी अपने खेत में रहता और सुबह 8:30 बजे जब उनकी पत्नी खाना बनाने के लिए दाल गैस पर रखकर घर के बाहर निकली और गैस की टंकी में आग लग गई और टंकी ब्लास्ट हुई, जिससे पूरा मकान जलकर खाक हो गए और मकान में रखी अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई। विस्तार खाने पीने के बर्तन और कुछ नगद रुपया, कुछ गहने भी सब कुछ जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ₹4,80,000 भी जलकर खाक हो गए। जब इतना पैसे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में लड़की की शादी होने की थी, ये पैसे शादी के लिए हमने 3 साल के लिए खेत को खोद दिया गया था, इसका पैसा रखा हुआ था। जिसके बाद सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नसरुल्ला गंज से पवन माहेश्वरी। क्या नाम है आपका? दुर्गा भाई। जो है जो क्या मामला है, ये क्या हुआ है? ये सर गैस टंकी से फटी है। तो इसमें आपका क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुए सर, पूरा सामान जल का, गेहूँ चना पैसा रकम टीवी पंखा मोटर पाइप मोटर डोरी 40-50 फीट से ऊपर ही थी डोरी, वो जल गई, 40 पाइप जल गया, पूरा सामान जल गया। और इसमें देखने में आया कि इसमें पैसा भी जला है आपका? हाँ पैसा जल गया सर। करीब कितना पैसा था? पैसा थे 4 लाख रुपए थे। 4 लाख रुपए आपने जो है किस जगह उससे ले आए थे? सर हमने जमीन रखी 3 साल की खोट। अच्छा, वो गल्ला बेचे तो जे का पैसा था जो आपने जो जमीन को खोट रख दी गई थी? हाँ जे का पैसा था। अच्छा, तो सर हम घर मकान छत डालने और शादी का सामान था, 50,000 का सामान खरीद ली थी मैंने शादी कराने की, छोरा शादी करनी थी। अच्छा, लड़के की शादी के लिए तुमने ये जो कुछ भी सब करा था लड़के की शादी के लिए ही करा था? हाँ लड़के की शादी के लिए करा। ठीक है, 2 पीपा तेल के भी थे और कपड़े भी खरीद ली थी, रकम भी खरीद ली थी मैंने। तो ये शादी कब कब होने की थी? ये सब अब जमाने की थी शादी, अभी छोरा छोरी बहनी से थोड़ा हम लेट हो गया, उनने किया कि अभी करेंगे, तो हम ये बारिश लगने वाली थी, अब शादी लगन लेने जाने वाला था 4 दिन बाद में। शादी के 4 दिन लग 4 दिन के बाद लगन लेने जा रहे थे आप? लगन लेने के पहले ही ये मकान में पहले ही होगा ये काम, हम शादी का प्रोग्राम तो पूरा जमा ही लिया था। अच्छा। और अब जमाने जाने वाला था जे आज ऐसा होगा घर में, बोले साहब सरकार मकान है घर ने गांव में। अच्छा। तो वो मकान में भी काम चल रहा कि अपने पास पैसा है तो अपन मकान में छत डलवा ले। चलो पटवारी साहब क्या मामला है? ये जो मामला है अग्निकांड का मामला है, इसमें ग्राम सुहापानी में राम भरोस नाम का व्यक्ति है, वो खेत में निवास करता था। तो सुबह सूचना लगी कि भाई इसमें गैस टंकी फटने से इसके घर में आग लग गई है। तो मेरे द्वारा मौके पर आके जांच की गई, मकान में जो है पूरा मकान जल गया है, उसमें जो भी रखा सामान खाद्य सामग्री वगैरह कपड़े जूते, जूते का काम भी करता था वो व्यक्ति, उसके भी जूते और नगद पैसे भी जल गए हैं। इसमें करीब 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 कितना नुकसान हुआ है? उसके बताए अनुसार तो बता रहा है कि 4 लाख रुपए उसके नकद थे और कपड़े बर्तन रकम मिला के जो है उसके हिसाब से जो है कम से कम 5-6 लाख रुपए का 5-6 लाख रुपए नुकसान हुआ है।